अगर आपको आधा नंबर और बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाओगे? देखो इस क्वेश्चन में जितने डिमांड में पूछा गया था उतना में हम सारा लिख चुके हैं, परंतु अगर आपको आधा नंबर अगर और बढ़ाना है तो देखो आप इसमें अभी आपको लग सकता है कि सर आप थोड़ा कुछ ज्यादा ही डेप्थ में जा रहे हो, बट आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने नॉर्मल लेवल का आंसर लिखा है सरफेस लेवल पर अगर बात कर दी तो एग्जामिनर आपको 3.5 नंबर देके छुट्टी कर देगा। हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन जो होता है वो होता है कि आप उसकी टाइमलाइन बता दो। देखो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि हमारे पास वर्ड्स लिमिट है ना, और जब हमारे पास वर्ड की हमारे पास लिमिटेशन है तो हमें एक एक वर्ड को जो है बहुत ही सोच समझ के खर्च करना होगा। मुख्य परीक्षा 2024 का जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से कहता है कि ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। मतलब कि हमें ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। अगर हमें डिफरेंसेस बताने हैं तो पैरामीटर क्या होने चाहिए, क्वेश्चन में वो भी दे रखा है कि आर्थिक क्षेत्र में और हमारे सामाजिक क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन की मुख्य डिमांड तो हम समझ गए कि भाई डिफरेंस बताना है। अच्छा, इस सबसे बड़ी समस्या होती है हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, बट इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। हिस्ट्री वाले क्वेश्चन का सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन जो होता है वो होता है कि आप उसकी टाइमलाइन बता दो। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो वैदिक काल का जो टाइमलाइन है वो जो है हमारा लगभग होता है 1500 से 600 BCE, ये हमारा पूरा वैदिक पीरियड है, और इसमें जो है हमारा ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही शामिल है। तो इसमें ऋग्वेदिक का कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेदिक का हो जाएगा हमारा, ऋग्वेदिक का हमारा है 1500 से 1000 BCE, और जो मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल की तो इसका जो हो जाएगा हमारा उत्तर वैदिक काल का जो है हमारा 1000 से 600 BCE, पहले ऋग्वेदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता थी मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, देखियो मेन बॉडी में क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया है कि आपको आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करना है। तो हम चलो ये तो हमारा हम नॉलेज के हिसाब से तो हम बता सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो है क्या क्या डिफरेंसेस है, बट पैरामीटर कौन कौन से होंगे। तो पैरामीटर इन्होंने लिखा है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र, तो ये तो सिर्फ इन्होंने लिख रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा और इलोबरेट कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हमको क्या क्या दर्शाना है, हमको अंतर दर्शाना है ना। तो अंतर के कारक कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सामाजिक की बात करें ना, देखो ये बहुत जरूरी है, जब भी आप किसी भी चीज के बारे में डिफरेंसेस बताओगे है ना, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या पर्यावरणीय हो, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे हमको डिफरेंस पूछा गया हो, बट यहाँ पे सामाजिक पूछा गया। तो सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सब सेक्टर्स है ना, यानी कि उपवर्ग जो है इसके अंडर में आते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ताकि अगर ये पता हो गया तो फिर आप इन इन बारीक डायमेंशन पर आप अपने पॉइंट्स लिख के जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, है ना, क्योंकि आपको एक ब्रॉडर जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है वो तो पता होना चाहिए, साथ में इसके और कौन कौन से जो है उप क्षेत्र है वो भी पता होना चाहिए। तो सामाजिक क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले सामाजिक वर्गीकरण कि भाई ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो समाज है ना, उसमें लोग किस हिसाब से वर्गीकृत आपस में होते थे। ठीक है, तो सामाजिक वर्गीकरण हमारा एक पैरामीटर बनेगा। ठीक है, और समाज में महिलाएं भी रहती है तो स्त्री वाला जो है हम दूसरा एंगल मान सकते हैं कि हाँ भाई कि हमारे पास समाज में एक बड़ा वर्ग स्त्रियों का होता है तो वो भी हो सकता है। ठीक है, साथ में सामाजिक के साथ में हमको कुछ सांस्कृतिक पक्ष भी हमको रखने होंगे, यानी कि कुछ सांस्कृतिक वर्ग के आधार पर या सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर जो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। साथ में अगला है, थोड़ा हम प्रशासन से भी लिंक कर सकते हैं कि भाई उस टाइम जो है समाज में लोगों का प्रशासन किस हिसाब से होता है। देखो अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो प्रशासन को आप एक अलग ही डायमेंशन मान सकते हो, बट हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक काल में, तो ऋग्वेदिक काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अपने आरंभिक चरण में थी, और चूंकि प्रशासनिक व्यवस्था जो है समाज से लिंक्ड थी तो उस टाइम प्रशासन जो है अपने आप में एक अलग इकाई के रूप में मौजूद नहीं था, तो प्रशासन को भी हम एक तरीके से समाज का भाग मान सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो है सांस्कृतिक पक्ष हो ही गया हमारा, इसके अलावा जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है ना, आर्थिक क्षेत्र में आप व्यापार को ले सकते हो, व्यापार में वाणिज्य है ना, पैसों के बिना कुछ नहीं होता है ना। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट बनेगा व्यापार एवं वाणिज्य। दूसरा जो हम मैं कह सकता हूं वो है शहरीकरण। आरंभिक शहरीकरण की शुरुआत जो है वो लगभग वैदिक काल से ही मानी जाती है ना। और जो हमारा प्रथम शहरीकरण है जो कि हड़प्पा काल का भी माना जाता है, तो वो इससे पहले आया था। तो जो आरंभिक शहरीकरण की शुरुआत है वो हम ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल से मान सकते हैं। दूसरा है आर्थिक एक्सचेंज है ना, मतलब कि आर्थिक बदलाव है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। साथ में जब भी आर्थिक क्षेत्र की बात आ रही तो आपको एक लैंड ओनरशिप का भी बारे में पता होना चाहिए। लैंड ओनरशिप है ना, मतलब कि भूमि अधिकारिता, मतलब कि भूमि पर वास्तविक रूप से किसका अधिकार है, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग वाणिज्यिक क्षेत्रों में संलग्न रहते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों का जो है वो स्वरोजगार भी होता है ना, तो रोजगार के अन्य विकल्प, ठीक है कि भाई जो रोजगार के जो हमारे साधन है या व्यापार एवं वाणिज्य के साधन है, क्या वो कृषि बेस्ड हैं या पशुपालन आधारित हैं, तो वो उस बारे में, ठीक है। और देन जो हम निष्कर्ष में हम क्या ले सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है वो होती है कि वो जो समय है वो कब स्टार्ट हुआ है ना, यानी कि वो इवेंट है वो कब स्टार्ट हुआ, यानी कि हम एक टाइमलाइन दे देते हैं, ठीक है। फिर मेन डिमांड में हम क्या लिखते हैं कि जिसके बारे में पूछा गया है, और कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि भाई उस इवेंट से जो है क्या क्या रिजल्ट निकले हैं, या हो सकता है कि वो जो इवेंट है वो मॉडर्न टाइम में कैसे महत्व रखता है। तो चूंकि ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल वर्तमान समय में भी अपनी प्रासंगिकता अच्छी खासी बनाए हुए हैं, तो हम इसको जो है मॉडर्न टाइम से लिंक कर सकते हैं। तो आप देखो हमने वैदिक काल को जो है हमने आधुनिक काल से लिंक कर दिया, तो वो हम इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, निष्कर्ष में, है ना। तो यानी कि निष्कर्ष में हम आधुनिक काल से लिंक है ना, कि वैदिक काल की कौन कौन सी जो है प्रथाएं हैं, रीतियां हैं जो कि वर्तमान समय में भी चल रही है, जैसे कि जाति व्यवस्था है ना, जाति व्यवस्था, इसके बारे में रीति रिवाज है ना, साथ में कई सारी धार्मिक प्रथाएं जैसे कि अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, तो वो रिसेंट में भी देखा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जब भी गृह प्रवेश होता है ना, तब हवन किया जाता है, इसके अलावा जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तब भी यज्ञ किए जाते हैं, है ना। तो जब भी भगवान की आराधना की जाती है तो यज्ञ जो है एक उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तो कुछ रीति रिवाज के स्तर पर है ना, कुछ रिलीजियस बिलीफ, तो ये जो है ये चीजें हम वर्तमान में भी हम देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का पूरा जो है वो डायमेंशन है। पर आप इसको एग्जाम में कैसे रेप्लिकेट करोगे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना, कि एग्जाम में आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है, उस लिमिटेड स्पेस में जो है आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में आपके इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, बॉडी में क्या आना चाहिए और कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, वो तो हमने डिस्कस कर लिया, बट एक बार जो है एक्चुअल में हम आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड में वो देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमको वैदिक काल के बारे में बताना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में वैदिक काल है ना, वैदिक काल का टाइमलाइन क्या था अभी हमने बताया, 1500 से 600 BCE। जो क्रमशः ऋग्वेदिक है ना, ऋग्वेदिक, और ऋग्वेदिक का टाइम पीरियड क्या है अभी हमने डिस्कस किया, 1500 से 1000 BCE है ना, यानी कि वैदिक काल की शुरुआत इस टाइम हुई, जो क्रमशः ऋग्वेदिक व उत्तर वैदिक, ओके, ऋग्वेदिक एवं उत्तर वैदिक, और उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1000 से मैं विभाजित थी,
जिसका अब ये जो विभाजन हमने किया, ये विभाजन किस आधार पे किया, जिसका मुख्य आधार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है ना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, साथ में कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाज, ठीक है, और कुछ जो है हमारा आर्थिक संरचना ना रही। तो ये हमारा जो है पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन जो है मेनली अपना जो 10-15% जो हमारा टोटल वर्ड लिमिट होती है उसी के अनुसार होना चाहिए। और चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 10 मार्कर का है जिसमें 150 वर्ड्स हमको लिखने होते, तो इंट्रोडक्शन लगभग 20-25 वर्ड्स का अगर होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ना, यानी कि 3-4 लाइन, बस 3-4 लाइन से ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है 10 मार्कर में, और 5-6 लाइनों का जो है 15 मार्कर में जो है आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हमारी 4 लाइनें हो चुकी है और हमको यहाँ पे स्टॉप करना है। सेकंड थिंग इज, अब हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है ना, ठीक है। तो मेन बॉडी का सबसे पहला जो है हमारा वो क्या दे रखा है, आधार है ना, पहला आधार दे रखा है हमारा सामाजिक आधार है ना। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे हम कि कि सामाजिक आधार पर है ना, क्योंकि हम सामाजिक आधार के बारे में वर्णन कर रहे हैं है ना। तो सामाजिक आधार पर ऋग्वेदिक व उत्तर वैदिक काल की तुलना यूं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इस मेन हेडिंग को हम बॉक्स में पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंटेशन के लेवल पे। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन हम लिख चुके हैं, और साथ में जो है हमने सामाजिक आधार पर ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल की तुलना कैसे की जाए हमने वो भी लिख लिया है। तो देखो यहाँ पे हम टेबल फॉर्मेट का यूज करेंगे है ना। टेबल फॉर्मेट में एक तरफ हमारा ऋग्वेदिक, ठीक है, एक तरफ हमारा उत्तर वैदिक है ना, और यहाँ पर होंगे हमारे कुछ पैरामीटर है ना, यानी कि कुछ कारक जिनके आधार पर जो है हम वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहला वर्गीकरण जो है हमारा वो है सामाजिक विभाजन, तो सामाजिक विभाजन के तौर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारी वर्ण व्यवस्था थी है ना, वर्ण व्यवस्था। परंतु यह जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल में ये अत्यंत लचीली थी है ना, लचीली। परंतु वहीं अगर मैं उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो वही वर्ण व्यवस्था जो है थोड़ी सी कठोर हो जाती है। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था देखो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि हमारे पास वर्ड्स लिमिट है ना, और जब हमारे पास वर्ड की हमारे पास लिमिटेशन है तो हमें एक एक वर्ड को जो है बहुत ही सोच समझ के खर्च करना होगा ना। तो सामाजिक विभाजन वर्ण व्यवस्था यहाँ पे लचीली थी और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था काफी कठोर थी, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था के जो है उसके बारे में भी आप बता सकते हो ना कि कैसे जो है वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, ठीक है। तो यानी कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी मुख्यतः जो थी वो कार्य के आधार पर थी है ना, कार्य के आधार पर। परंतु उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर हो गई, ठीक है। टू बी प्रिसाइज, ये शुद्धता अशुद्धता के सिद्धांत पर कार्य करने लगी कि जो भी हमारे वर्ण व्यवस्था में ऊपर आते हैं यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं ये शुद्ध, और जो वर्ण व्यवस्था के क्रम में नीचे आते हैं उनको जो है वो अशुद्ध है ना। तो ये हमारा हो गया सामाजिक विभाजन। दूसरा, महिलाओं की स्थिति क्या थी इस समय, ये हमारा दूसरा पैरामीटर है ना, महिलाओं की स्थिति जो हमारा ऋग्वेदिक काल है उसमें महिलाओं की स्थिति काफी सुदृढ़ मानी जाती है। महिलाओं को कई शैक्षणिक संस्थाओं में भाग लेने की भी अनुमति थी, वाद विवाद करने की भी अनुमति थी, और डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी
हिस्ट्री और इवन उस टाइम जो है कुछ साइंटिफिक जो हमारे पास लिटरेचर थे वो भी पढ़ने की अनुमति थी। साथ में वो कई सारी महिलाएं पुरुषों के साथ में बैठकर विभिन्न समस्याओं पर वाद विवाद भी आयोजित किए जाते थे, परंतु वही सेम चीज लेट वैदिक काल में हमको देखने को नहीं मिलती है, है ना। तो यानी कि महिलाओं की स्थिति जो है वो इस समय जो थी यूं मैं कह सकता हूँ कि उच्च स्थिति है ना, यानी कि उनका जो स्टेटस था वो हायर स्टेटस था, है ना, और उच्च स्थिति थी। लेकिन आप किस आधार पर कह सकते हो, है ना, यानी कि एक तो धार्मिक जीवन पर, धार्मिक जीवन मतलब कि उनको जो है विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति थी, साथ में यज्ञ करने की अनुमति थी, है ना। तो यहाँ पर धार्मिक जीवन है ना, यज्ञ करना, रीति रिवाज, है ना, रीति रिवाज, और साथ में कुछ जो है अभी हमने डिस्कस किया शिक्षा में, है ना, शिक्षा में और शिक्षा के अलावा जो है जो अपने परिवार के जो मामले होते हैं ना, परिवार के मामलों में भाग लेने की स्वतंत्रता, है ना। और वहीं हमें लेटर वैदिक काल के बारे में बात करूं, है ना, लेटर वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं पर कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज किए गए थे, है ना। तो यानी कि यहां पर जो है वहां पर प्रतिबंधों की उपस्थिति, साथ में जो है पितृसत्तात्मक सोच, है ना, इसके अलावा यहां पर बाल विवाह के साक्ष्य भी हमको देखने को मिलते हैं, है ना। देखो ऋग्वेदिक काल कितना जो है हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव था, उस समय बाल विवाह जैसी समस्याएं नहीं थी, साथ में महिलाओं को पुरुषों के साथ बैठकर, है ना, कदम से कदम मिलाकर विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति थी, डिबेट में भाग लेने की अनुमति थी, साथ में जो है विभिन्न तरीके के पॉलिटिकल विषय थे उनके ऊपर वो चर्चाएं कर सकती थी, है ना। और आज की अगर मैं आधुनिक काल की बात करूँ तो कई हद तक जो है ये चीज बदल चुकी है, है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट सोसाइटी जो है वो विभिन्न प्रयास कर रही है जिससे कि महिलाओं की स्थिति अच्छी बन रही है। अभी हाल ही में हमने एक्ट भी पास किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, तो जिसके माध्यम से जो 1/3 रिजर्वेशन है महिलाओं को दिया गया। तो ये तो हो गया वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बात करें, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक है महिलाओं की स्थिति, इसके अलावा हमारा एक और पैरामीटर बनता है, वो कौन सा पैरामीटर बनता है कि तीसरा जो पैरामीटर बनता है वो है हमारा धार्मिक क्रियाकलाप, है ना, धार्मिक क्रियाकलाप। तो ऋग्वेदिक काल में जो है धार्मिक क्रियाकलाप काफी साधारण थे, है ना, मतलब कि इतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि दिखावा नहीं था, है ना। मेन पर्पस जो था वो प्रे करने का था ना, प्रार्थना करने का जो है वो मेन प्रे था ना, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रार्थना आदि, है ना, ठीक है। वहीं ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो है ये चीज काफी बड़ी मात्रा में जो कर्म कांड में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण जो है वो कई तरीके के यज्ञ किए गए, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, है ना, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, है ना, जिसके कारण ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। और जैसे ही ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा तो सामाजिक स्तर की अगर बात की जाए तो ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा तो ब्राह्मण जो है वो एक तरीके के अपर क्लास में आ गए। और चूंकि ये जो भी हमारे धार्मिक क्रियाकलाप थे, है ना, इन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को बढ़ाया, साथ में क्षत्रिय और वैश्य अपनी जगह पे थे, लेकिन साथ में शूद्र तो थे, उनको शुद्धता शुद्धता के सिद्धांत के आधार पर या उनके व्यवसाय के आधार पर जो है समाज में नीचा जो है निचला वाला दर्जा दिया गया, यानी कि दोयम दर्जे का माना गया। तो यानी कि अब समाज में जो है वो चार स्तर बन चुके हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, है ना, दूसरे स्तर पर क्षत्रिय जो युद्ध लड़ते थे और साथ में जो है विभिन्न तरीके के विजय अभियान करते थे, और उसके जो थर्ड लेवल पे हैं वो हमारे वैश्य जो कि ट्रेडिंग करते हैं, और जो हमारा फोर्थ लेवल पे है उनको हम कहते हैं शूद्र। तो ये डिवीजन जो है उत्तर वैदिक काल में काफी ज्यादा सॉलिड हो गया था। धार्मिक क्रियाकलाप हो गया। चौथा जो है वो मैंने बताया शासन व्यवस्था, ठीक है। देखो ऋग्वेदिक काल में शासन व्यवस्था जो थी वो एक तरीके की लोकतांत्रिक थी,
लोकतांत्रिक थी, है ना। इसके अलावा एक समिति नामक संस्था भी थी, है ना। बेसिकली ये क्या थी, लोकल लेवल पे एक संस्था थी जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपस में जो है कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, और फिर यही समिति जो है एक तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, है ना। वही ये चीजें यहाँ पे जो है वो वृहद स्तर पर बढ़ गई थी, वृहद स्तर पर हो गई, यानी कि बड़े स्तर पर जो है बाद में उत्तर वैदिक काल में हमको ये संस्थाएं देखने को मिलती है। इसका भी कारण है ना, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे की खोज हो गई तो जो है एग्रीकल्चर का डोमिनेंस काफी बढ़ा, और जब एग्रीकल्चर का डोमिनेंस बढ़ा तो लैंड ओनरशिप के बारे में कई तरीके की चर्चाएं होने लगी। एक बार लैंड ओनरशिप के बारे में चर्चा होने लगी तो फिर उसके बाद में लोगों ने जमीन हथियाना चालू कर दिया, है ना, और क्षेत्रीय शासन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों की ओनरशिप बढ़ने लगी, लैंड ओनरशिप बढ़ने लगी, क्योंकि अब भूमि का महत्व बढ़ गया, क्योंकि अब आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, है ना, आप चावल उगा सकते हो, धान उगा सकते हो, अब आप पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि फूड सिक्योरिटी है। तो कई तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। चलो ठीक है, आप इस लेवल पे आप बात कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये तो अभी हमारा हुआ सिर्फ सामाजिक आधार पर, है ना। अब हम बात करेंगे आर्थिक आधार पर, तो यानी कि अब जो हमारा डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, आर्थिक आधार पर ऋग्वेदिक काल व उत्तर वैदिक काल के बीच अंतर, है ना, या तुलना। अब आधार चेंज हो गया ना, अब हम इकोनॉमिक लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा हमने सोसाइटी लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए वो हमने देख लिया, अब इकोनॉमिक लेवल पे हम बात करेंगे। इकोनॉमिक लेवल पे जैसे कि उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, लैंड ओनरशिप के बारे में क्या था, साथ में आपस में ट्रेड कैसे करते थे वो, है ना, लोग जो है विभिन्न व्यवसाय में संलग्न रहते थे तो किन किन व्यवसाय में संलग्न रहते थे, किस किस टाइप के वहाँ पर जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी, है ना, क्या विदेशों के साथ व्यापार होता था या नहीं होता था, है ना, व्यापार होता था तो किसके थ्रू होता था, लैंड रूट के थ्रू, सी रूट के थ्रू, है ना, इन बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में विभिन्न तरीके के जो शहर हैं वो पनपने लगे थे इस टाइम, तो वो कौन कौन से शहर थे वो भी थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। तो इस लेवल पर हम अभी बात करते हैं, तो यहाँ पर कारक सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, कारक ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इनका व्यवसाय क्या था, यानी कि एक तरीके का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था। देखो ऋग्वेदिक काल में जो है लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे की खोज अगर नहीं हुई तो लोग भाग जो है वो पशुपालन पर जो है मेनली डिपेंडेंट रहते थे, कि हमारे जो है वो पशु हैं। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि अगर पशु इतने इंपॉर्टेंट है तो पशु से भी कई तरीके के नाम उपजेंगे, है ना, जैसे कि गोहन, समय टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो गोधूली, है ना, तो ऐसा कई तरीके के शब्द हैं वो पशु से जन्मे हैं, और गो मतलब गाय एक तरीके से, है ना, गाय, है ना, तो गाय की इंपॉर्टेंस इस टाइम काफी थी। तो प्राथमिक व्यवसाय जो था यहाँ पर पशुपालन था, है ना, पशुपालन। जबकि उत्तर वैदिक काल में अभी मैंने बताया कि लोहे की खोज हो चुकी थी तो अब जो है वो कृषि डोमिनेट करेगा ना, तो यानी कि कृषि जो है इस टाइम मुख्य व्यवसाय था, है ना, दूसरे लेवल की बात की जाए ना कि भूमि अधिकार था, देखो अभी मैंने बताया कि ऋग्वेदिक काल में जो है लोहे की खोज नहीं हुई, तो लोहे की खोज अगर नहीं हुई तो लोग भाग जो है पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन के लिए जो है एक तरीके की सामूहिक भूमि अधिकारिता चाहिए होती है। जैसे अभी आप गांव में भी देखते हो तो गांव में भी एक क्षेत्र ऐसा रिजर्व होता है जो सामूहिक रूप से जो है वहां पे कोई भी पशु अपने चरा सकता है ना, वो थोड़ा सा गांव से दूर थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में ना होता है, मतलब मेरे गांव में तो है, होपफुली आपके गांव में भी होगा, तो गांव के बाहर ही एक क्षेत्र होता है ना, तो उसको हम कहते हैं सामूहिक क्षेत्र, है ना, यानी कि सामूहिक अधिकारिता, सामूहिक अधिकार था, यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र है या ये पूरा जो एरिया है ये पूरा गांव को समर्पित एक एरिया है, यानी कि यहाँ पे
इस क्षेत्र पर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो है ये मेरा क्षेत्र है, है ना। तो यहाँ पे सामूहिक अधिकारिता थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो है हमारी सामूहिक अधिकारिता बदल के व्यक्तिगत अधिकारिता में बदल गई, व्यक्तिगत भूमि अधिकारिता। और बात साफ है क्योंकि अब भूमि का महत्व बढ़ गया, भूमि का महत्व बढ़ गया तो लोग बोलेंगे यार ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, है ना, ये सब। अभी हम देखते हैं कि जहां पर भूमि की उत्पादकता जीरो होती है उस लैंड को कोई क्लेम भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही उस वो जो लैंड है थोड़ी सी फर्टाइल होने लगती है, पता लगे कि अरे यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर वाणिज्यिक फसल की खेती की जा सकती है, तो फिर लोग बाग उसको देख के लड़ने लगते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है ना, हम इस बात से तुलना कर सकते हैं, ठीक है, ये भूमि अधिकारिता के लेवल पे। तीसरा हम बात करेंगे व्यापार व वाणिज्य। व्यापार व वाणिज्य, अच्छा व्यापार एवं वाणिज्य के लेवल पे क्या हो रहा था कि देखो यहाँ पे पशुपालन मेनली आधारित व्यापार होता था, है ना, तो यानी कि पशु आधारित है व्यापार। है ना, जैसे कि किसके पास कोई कितना ज्यादा अमीर है वो ये देखा जाता है कि इसके पास कितने पशु है। आजकल गांव में भी ये चीज देखी जाती है ना। और साथ में जो है पशु एक्सचेंज भी यहाँ पे होते थे ना, पशुओं का व्यापार, क्योंकि उस टाइम कुछ था ही नहीं, थे जो पशु थे तो पशुओं का ही व्यापार कर रहे हैं। किसने दो गाय देके एक भैंस ले ली, है ना, या एक भैंस देके चार या पांच बकरियां ले ली, इस तरीके के व्यापार होते थे। जबकि अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूँ, है ना, तो जो है व्यापार का प्रसार होने लग गया था इस टाइम, है ना। एक तो व्यापार का प्रसार, साथ में कुछ विभिन्न तरीके के कॉइन भी इस टाइम ईजाद किए गए, है ना, तो कॉइन बेस्ड व्यापार, है ना, कॉइन बेस्ड ट्रेड, यानी कि सिक्को आधारित जो है अब व्यापार होने लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, है ना, तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी इस टाइम काफी ज्यादा अच्छा था, है ना, एग्रीकल्चर आउटपुट भी बढ़ गया था। तो ये तो हो गया हमारा इस लेवल पर। चौथा लेवल है हमारा शहरीकरण, कि भाई शहरीकरण के स्तर पर क्या हो रहा था। तो अभी मैंने बताया कि जो ऋग्वेदिक पीरियड है इसमें मुख्यतः लोग जो है वो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करते थे ना, तो ग्रामीण शहरीकरण, है ना। साथ में जो कस्बे थे वो भी बहुत बिखरे हुए कस्बे, देखो आपको थोड़ा सा अभी आपको लग सकता है कि सर आप थोड़ा कुछ ज्यादा ही डेप्थ में जा रहे हो, बट आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल लेवल का आंसर लिखा है, सरफेस लेवल पर अगर बात कर दी, तो एग्जामिनर आपको 3.5 नंबर देके जो है वो छुट्टी कर देगा। पर अगर आपने डेप्थ में थोड़ा गए, है ना, और आपने पिन टू पॉइंट अगर बातें की, आपने बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स यूज किए, तो वो आपको 4.5 नंबर से कम तो मतलब देगा ही नहीं, क्योंकि उसके आत्मा ही नहीं मानेगी, सिंपल सी बात है ना। तो बिखरे हुए कस्बे थे यहाँ पे। वहीं अगर मैं बात करूँ लेटर वैदिक पीरियड की, है ना, तो यहाँ पर जो है कस्बों का प्रसार होने लगा, है ना, कस्बों का वृद्धिकरण, साथ में विभिन्न तरीके के बाजार भी पनपने लगे, है ना, बाजारों का विकास। और सिंपल सी बात अगर मैं करूँ तो शहरीकरण का आरंभिक चरण, है ना, शहरीकरण का आरंभिक चरण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमने इस लेवल पे बात कर ली, तो हमने किन की लेवल पे बात की, हमने प्राथमिक व्यवसाय के लेवल पे बात की, भूमि अधिकारिता, व्यापार एवं वाणिज्य और शहरीकरण के लेवल पे बात कर ली, ठीक है, 4 पॉइंट हमारे अच्छे खासा हो गए। अच्छा अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, आप जो है अगर आपको आधा नंबर और बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाओगे। देखो इस क्वेश्चन में जितने डिमांड में पूछा गया था उतना में हम सारा लिख चुके हैं, परंतु अगर आपको आधा नंबर अगर और बढ़ाना है तो देखो आप इसमें एक मैप बना सकते हो, है ना, मैप में आप ये बता सकते हो कि ऋग्वेदिक काल के समय कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो भारत का ऋग्वेदिक काल के समय था, साथ में ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ हम शिफ्ट किए तो क्या एरिया वही रहा, या उस एरिया में जो है कुछ नए क्षेत्र भी सम्मिलित हुए हैं, तो ये बातें आपको बतानी चाहिए। तो चलो एक छोटा सा मैप बना लेते हैं और मैप के थ्रू हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे एरिया थे जो कि चेंज हुए हैं, ठीक है। तो एक मैप बना लेते हैं यहाँ पे,
अगर आपने मैप बना लिया तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी एग्जामिनर के लिए भी और आपके लिए भी। तो एग्जामिनर को जितना ज़्यादा जितना बढ़िया से हो सके आप अपना आंसर अगर रिप्रेजेंट कर पाओ बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये अपना जो एरिया का ये अपना इंडिया का मैप है, जल्दी से बना लेते हैं इसको। तो अगर आपको आधा नंबर और चाहिए तो आपको थोड़ा सा मैप भी बनाना होगा। तो जैसे ये अपने पास इंडिया का मैप है तो यहाँ पे हम अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड इस समय कौन कौन से क्षेत्र थे वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है अपने यहाँ पे है ना, ये तक्षशिला, साथ में ये तक्षशिला है ना, ठीक है मैं शॉर्ट में लिखूंगा आप ये तक्षशिला। जैसे कि ये अपना हड़प्पा वाला क्षेत्र है ना, ये वाला कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना अपना, ये वाला अपना जो है वो इसको हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं ना, पूर्व वैदिक काल। और वहीं अगर मैं बात करूं ये हमारा गंगा नदी वाला क्षेत्र है, इसको हम लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ये वाला। तभी देखोगे कि यहाँ पर जो है कई सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्षेत्र जैसे कि वाराणसी, अयोध्या ना, वाराणसी अयोध्या, साथ में जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रयागराज है ना, प्रयागराज वाला क्षेत्र, साथ में कुछ जैसे कि कौशल वाला क्षेत्र है ना, जो हमारा महाजनपद काल में भी एक इम्पोर्टेंट जनपद था कौशल। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला है हमारा उत्तर वैदिक काल है ना, उत्तर वैदिक। और पूर्व वैदिक काल को हम जो है ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ये अगर आपने छोटा सा बना के यहाँ पे दर्शा दिया तो आपका जो है नंबर अच्छे आएंगे डायग्राम। ऋग्वैदिक व उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक व उत्तर वैदिक कालीन क्षेत्र। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन में जैसे कि हमने बताया कि कैसे जो है जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है या उत्तर वैदिक पीरियड है, यहाँ की जो कई सारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं जैसे कि जाति व्यवस्था है ना, साथ में हमने यज्ञ वगैरह देखा, अनुष्ठान देखा है ना, रीति रिवाज, कई तरीके के धार्मिक क्रियाकलाप, सामाजिक व्यवस्थाएं, तो वो जो है वो वर्तमान समय में भी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो यहाँ से आप जो है एंड कर सकते हो। तो इस टाइप से जो है हमने एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डिस्कस किया।